रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। खबर गोंडा से है, जहां जिले के अलावल देवरिया गांव के प्रधान की दबंगई सामने आई है। आपको बता दें, ग्राम प्रधान आधार कार्ड बनवाने के नाम पर 100 रुपए ले रहे हैं। वहीं जब वहां पर खड़े एक युवक ने इसका विरोध किया तो प्रधान ने युवक से अभद्रता करी और उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद से ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलावल देवरिया मुजीब खान प्रधान के घर पे खड़ा हूँ, कर रहे हैं आधार कार्ड 100 रुपए के बुनियाद पर। यहाँ पे मैं आधार कार्ड बनवाने के लिए आया, जो आधार कार्ड बना रहा था तो 100-100 रुपया सबसे ले रहा था। यहाँ पे सब जनता यहाँ पे खड़ी हुई है और जब मेरा बारी है तो मेरे को बोलता है तेरे को मैं फ्री में बना के दूंगा। ये जनता चूतिया क्या 100-100 रुपए पे ले रहे हो बिन फोकट में? रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव जिले के सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में 27 ओवरलोड ट्रकों को सीज कर दिया। इस चेकिंग के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी, एआरटीओ समेत कोतवाली पुलिस भी मौजूद रही। इस अभियान को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि पेट्रोल पंप और ढाबों में जो अवैध रूप से वाहन खड़े रहते हैं, इसके कारण कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसको लेकर 27 वाहन सीज किए गए। ये अभियान जो पेट्रोल पंप में अवैध रूप से जो वाहन खड़े रहते हैं, ढाबों पर खड़े रहते हैं, रॉन्ग साइड पार्किंग के में खड़े रहते हैं वाहन, इसके कारण की कई दुर्घटनाएं भी होती हैं, उसको लेकर के मैं एआरटीओ प्रवर्तन, सीओ सिटी और टीएसआई, इन सब के साथ सहयोग करके एक जो टीम बनाई गई और उसके अंतर्गत कल हम लोगों ने सघन अभियान किया, जिसके अंतर्गत 27 वाहन सीज किए गए, जिसमें कि 4 ओवरलोड वाहन थे और बाकी जो रॉन्ग साइड पार्किंग में थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जितने भी पेट्रोल पंप हैं, ढाबे हैं, उन सभी को सचेत कर दिया गया है कि आपके यहाँ जो भी वाहन हैं अपना फ्यूल भरा करके वहाँ से उनको रवानगी हो, अवैध रूप से कोई भी नहीं खड़ा करेगा, खड़ा करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और आगे भी अभियान चलता रहेगा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां रीवा कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में आबकारी अधिनियम के तहत शराब को नष्ट करने की कार्रवाई संपन्न की गई। इस कार्रवाई में थाना चोरहटा, सिविल लाइंस, समान बिछिया, गुड़ एवं गोविंदगढ़ थानों के कुल 18 प्रकरणों में जब्त शराब को नष्ट किया गया। उक्त शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपये बताई जा रही है। इस कार्रवाई में SDM, सहायक आबकारी आयुक्त समेत कई अन्य आला अधिकारी भी उपस्थित रहे। इन केसेस में जो ऑर्डर्स हुए हैं उसको खाने पे ये शराब का भी नष्टीकरण किया जा रहा है और जो गाड़ियाँ साथ हुई हैं एक्साइज एक्ट की, उनको नीलाम करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की जा रही है। अभी पिछले बार चुनाव के पहले हम लोगों ने प्रक्रिया की थी, 4 गाड़ियाँ नीलाम हुई थी। अभी हमारे पास और 10 गाड़ियाँ हैं उसकी बेलिए हैं। हमारी कोशिश ये है कि न केवल जो फैसले हों बल्कि उनका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन भी हो, इन्वेस्टिगेशन भी हो, जो राजस्थान की गाड़ियाँ उनको नीलाम कर प्रशासन के बिल्कुल। ये हम लोगों ने असल में जो कलेक्टर न्यायालय से जो भी प्रकरण रासात हो चुके हैं कई वर्षों से, और उन रासात प्रकरणों में अपील की अवधि समाप्त हो गई है, ऐसे प्रकरणों में शराब नष्टीकरण के लिए जो गठित समिति है उसके समक्ष आज ये शराब नष्टीकरण का कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे रीवा शहर के आसपास जो थाने हैं, 5 थाने, चोरहटा, समान नाका, बिछिया, गोविंदगढ़ और गुड़, इन 5 थानों के लगभग जो 18 प्रकरण हैं, 18 प्रकरण जिसमें जो रासात हुई मदिरा है उसके नष्टीकरण के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें कुल 2900 बल्क लीटर शराब लगभग इसमें है जो नष्टीकरण किया जाना है, और इसमें विशेषकर तो देसी मदिरा है, देसी शराब है, और कुछ इसमें अंग्रेजी शराब है जो बहुत पुराने प्रकरणों की है। इस तरीके से ये नष्टीकरण करने के उपरांत जो है वो जो कार्रवाई है ये पूरी संपन्न होगी। मैं बताना चाहूँगा कि विगत काफ़ी वर्षों से नष्टीकरण की ये प्रक्रिया जो है नहीं हुई थी और ये लोग अभी कलेक्टर महोदय के और SP महोदय के विशेष प्रयासों से इस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं और ये आगे भी सतत चलता रहेगा। और अभी भी आज भी हम लोग मनगवा में कर रहे हैं, मनगवा थाना अंतर्गत 3 थाने हैं, वहाँ पर भी आज नष्टीकरण की कार्रवाई थोड़ी देर में वहाँ पर हो रही है, वो उनके जो स्तर पे जो वहाँ पे SDM साहब हैं वो करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ के 5 थाने और अब वो 3 थाने जो मैंने मनगवा के बताए वो 8 और बाकी जो शेष थाने हैं उनके लिए भी कार्य योजना बना ली गई है और मुझे लगता है 15 दिन में जिले के समस्त थानों को हम लोग
पूरा उसकी जो शराब है पुलिस विभाग की उसको हम नष्ट करने की स्थिति। खबर बिजनौर से है जहां नजीबाबाद में राष्ट्रीय किसान यूनियन के किसानों ने वर्षा के कारण गंगा से हो रही कटान पर चिंता जताई है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह तोमर के साथ संगठन के लोगों ने गांव का दौरा किया। इस अवसर पर महिपाल सिंह ने कहा कि विगत कई वर्षों से गोसपुर में गंगा की कटान की समस्या बनी हुई है। उन्होंने जिला प्रशासन से इस समस्या के निदान की मांग की है। इस मौके पर प्रदेश महासचिव, युवा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रवक्ता समेत संगठन के कई लोग भी मौजूद हैं। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है जहां ब्लॉक मियांगंज प्रांगण में हर बार की तरह भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता कर रहे ब्लॉक अध्यक्ष राकेश सिंह और नेतृत्व कर रहे जिला अध्यक्ष किसानों की समस्या सुनी। समस्याओं के निवारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष और कई कार्यकर्ताओं ने मिलकर विकास खंड अधिकारी को लिखित ज्ञापन भी सौंपा। हमारी 16 ब्लॉकों में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हर महीने 9 तारीख को ब्लॉक प्रांगण में बैठते हैं। जो किसानों की समस्या हैं उनको लेकर के हम वीडियो साहब से, नहीं हल होता है एसडीएम साहब से बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, अपनी मांगे रखते हैं। कितनी मांगे हमारी मानी जाती हैं उतने में अमल होता है, अधिकारी करता कि नहीं करता है। इसलिए हम ब्लॉक पर हर तारीख को हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अशोक यादव और हमारे ब्लॉक प्रभारी आरिफ भाई के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक संपन्न होती है कि जो हमारे यहाँ छुट्टा जानवर हैं उनको गौशालों में रखा जाए। कनगांव में गौशाला संचालित तो है मगर उसमें गौ को रखा नहीं जा रहा है और पैसा उगाही उसमें सरकार से की जा रही है। और दूसरी मांगे हमारी ये हैं, पात्रों को कॉलोनी ना देख करके जिनके पक्के मकान बने हैं उनको कॉलोनी दी जाती है और प्रधान पैसा लेकर के उनको जो है कॉलोनी दे रहा है। गरीब असहाय बेचारा 5,000 रुपये 10,000 कहाँ से लावे जो प्रधान को दे, इसलिए कॉलोनी उनको नहीं मिली। हमारी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होगी, देखते रहिए क्रिकेट न्यूज। फील द पावर ऑफ इंजन Macolubric.